आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बहुभुज के बाह्य कोण योग गुणधर्म के बारे में जाना व समझा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। दिखाए गए सप्तभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बताया गया है कि दी गई आकृति एक सप्तभुज है और हम पिछली वीडियो से जानते हैं कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। परंतु यहां हमें सप्तभुज के केवल 6 बाह्य कोणों की माप दिखाई दे रही है। आइए इस सातवें बाह्य कोण की माप को हम M से नामांकित कर देते हैं और ये समीकरण लिख लेते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि इस कोण का माप 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि एक रेखा खंड के किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसकी मदद से हम M का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि 90 डिग्री है। M का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर हमें x का मान 10 डिग्री मिलता है। यहां हमें कुछ सम बहुभुज दिखाए गए हैं जिनके प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण के माप अंकित हैं। हम देख सकते हैं कि सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक अंतः कोण का माप बढ़ता जाता है, लेकिन प्रत्येक बाह्य कोण का माप घटता जाता है। इसकी पुष्टि हम बहुभुजों के अंतः कोणों से संबंधित सूत्र और बहुभुजों के बाह्य कोणों से संबंधित सूत्र से कर सकते हैं। आप अन्य सम बहुभुजों के लिए उनके प्रत्येक अंतः व बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आज इस वीडियो में हमने बहुभुज के बाह्य कोणों पर आधारित एक उदाहरण और एक दिलचस्प तथ्य देखा। अगली वीडियो में हम इससे जुड़ी साधारण गलतियां देखेंगे।